हाँ जी क्या आइए आ गए मेरी दोस्त हैं बदतमीजी हाथ नहीं लगाने दे रही है नहीं हाथ लगाने देंगे ए बताओ तुम अपने आप को समझती क्या हो यार मैं हाथ नहीं लगाने दे रही हूँ हाँ मैं अपने आप को समझती क्या हूँ हाँ मैं ही नहीं हाँ ये जितनी हमारी बहनें बैठी हैं हाँ हम लोग अपने आप को नारी शक्ति समझती हैं नारी शक्ति और क्या अगर मैडम तुम अपने आप को नारी शक्ति समझती हो तो हम लोग अपने आप को नारा सच्चा समझते हैं लेकिन एक बात और जान लीजिए नारी शक्ति के बिना आप कुछ भी नहीं हैं और नारा सक्ता के बिना आप भी कुछ नहीं है अगर नारा सक्ता नहीं होगी तो इतनी बड़ी दुकान सजाए घूमो कोई खरीदने वाला नहीं होगा पहले हमें ये बताइए पहले दुकान लगेगी कि ग्राहक बनेंगे जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो दुकान का सौदा कौन खरीदेगा सुनिएगा पहले ग्राहक नहीं बनेंगे दुकान जब अच्छी होगी दुकान तो अच्छी है यार दुकान अच्छी है ग्राहक गड़बड़ है पहले मेरी बात पे ध्यान दो तुम्हारी बात पे ध्यान जब दुकान अच्छी होगी सौदा बिकेगा तो तभी तो कस्टमर आएंगे लेकिन ये कहाँ भूल रही हो जब गांव ही नहीं होगा गांव के लोग ही नहीं होंगे तुम अपनी दुकान सजाए घूमो कोई खरीदारी नहीं होगी लेकिन सामान धरे धरे सर जाए कोई एक रुपया के ला खरीद ए मियां अगर नारी नहीं होती अगर नारी नहीं होती तो ये लोग नहीं होते और अगर नारा नहीं होते तो तुम नहीं होती क्या बात कर रहे हो सावधान हो जाओ पहले मेरे बात का जवाब दो तब बात का तुम्हारे जवाब देते हैं औरत माने कुछ नहीं यार मैं औरत का पांच काम करूं तुम औरत का पांच काम कर लेती हो और क्या मैं भी कर लूंगा तुम नहीं कर पाओगे कर लूंगा करवा के देखो हिम्मत बांध के देखो नहीं कर पाओगे कर लूंगा शर्त बताइए तुम अगर अगर नहीं कर पाओगे ना तो हमारे पाँव में नाक रगड़नी पड़ेगी यानी अगर तुम्हारा औरत वाला काम हम नहीं कर पाए तो तुम्हारे पाँव पे हमें नाक रगड़ना पड़ेगा नाक रगड़ना पड़ेगा और अगर कर दिया तो इसी मंच पे हम तुम्हें रगड़ कर बहाएंगे पहले जवाब दो कौन ऐसा काम है जो औरत का मर्द नहीं कर सकते करोगे चलो आइए कौन काम है मैं रोटी बना लूं रोटी मैं भी बना लूं मैं मिर्चा बांट दूं मैं भी मिर्चा काट मैं मिर्चा लगा दूं मैं भी मिर्चा लगा दूं मैं घास काट लूं मैं भी घास काट लूं मैं इसको खिला दूं मैं भी खिला दूं मैं दूध गार लूं मैं भी दूध गार लूं आटा बना लूं मैं भी मोचा बना लूं छाछ बना लूं मैं भी छाछ बना लूं मैं गन्ने नवा दूं मैं भी मैं छोरी छोरा नवा दूं मैं भी छोरी छोरा मैं छोरी छोरा पैदा कर दूं मैं भी छोरी छोरा पैदा कर कर लो कोशिश कर लो लेकिन ए जी हाँ जी एक सवाल करेंगे हम आपसे कैसा सवाल सवाल में हमारे बहुत बड़ा बवाल है कैसा बवाल बोलिए ए मियां ये बताइए मैं लेटी थी वो लेटा था कौन वो हराम खोर था जो तुम्हारे साथ लेटा था मेरा मियां बहुत मारेगा तुमको मारे तो मरवा ले भाई ए मैं लेटी थी वो लेटा था तुम लेटी थी वो साला दोखी लेटा था ए मतलब वो तुम्हारे साथ लेटा था होश में बात कीजिए नहीं दांत तोड़ देंगे होश कहाँ यार ऐसा पहनाव पहने के ऐसे बेहोश है यार तो मर जाओ देख रहे हैं वो भी बेहोश हो जाएंगे नहीं कोई नहीं होगा सिर्फ तुम ही होगे हे मियां मैं लेटी थी वो लेटा था मैं नीचे थी वो ऊपर था और मैं देती थी वो लेता था बताइए बवाल बनाया देश यानी तुम लेटी थी वो लेटा था तुम नीचे थी वो ऊपर था तुम देती थी वो लेता हाँ लेता था मामला अंडबंड है अंडबंड नहीं है रास्ता नरक कुंड का जा रहा है बताइए तुम लेटी थी वो लेटा था हाँ? तुम नीचे थी वो ऊपर था तुम देती थी वो रास्ता हुए पहुंच रहा है कहाँ पहुंच रहा समझ रहे हैं तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया क्या तुम लेटी थी वो लेटा था हाँ? तुम नीचे थी वो ऊपर था तुम देती थी वो लेता था हाँ? फर्क इतना था कि तुम माता थी वो तुम्हारा बेटा था खुश रहो बेटवा जियो मेरी का बुझाई ए मियां अपने आप को बहुत वो लगाते हो क्यों हमारे सवाल का एक जवाब दे दो तो वो क्या है नारी का कौन सा अंग है जो चिकना होता है तुम्हारा यानी तो कि स्त्री क्या हो तुम्हारा तो पूरा चिकना है यार अरे मैं पूछ रही हूँ स्त्री का कौन सा अंग चिकना होता है स्त्री का कौन सा अंग चिकना होता है पूरी शरीर चिकन है यार ढाई देव साल जैसे रसमला आए बताइए स्त्री का कौन सा अंग चिकना होता है हाँ स्त्री का
कौन सा अंग चिकना होता है? चिकना होता है। वो समझ गए क्या? स्त्री का नीचे वाला अंग चिकना होता है। क्या तुम देखे हो क्या? क्यों नहीं, कौन सी स्त्री की बात कर रहे हो? कौन सी स्त्री की बात कर रहे हो? मैं, तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो? तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो? मैं वही प्रेस वाली जो तो मैं वही प्रेस वाली की कह रही हूँ। और क्या? उसको नीचे देखिए, हमेशा चिकना होता है। हाँ यार, तुम सही कहते हो। तो वो गलत कहा है। मारेंगे बहुत तुमको। हाँ।